बीजेपी ने नारा दिया आपकी बार 60 पार, कांग्रेस का क्या नारा है? वो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं इसी। किसने लिए 25 लाख? मुख्यमंत्री ने पैसा इकट्ठा किया, सरकार ने पैसा इकट्ठा किया, स्टोन क्रशरों को रिन्यूअल के नाम पर, खनन के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर 25 लाख रुपए एक एक स्टोन क्रशर से लीगली लिए गए। नहीं, आपकी गाड़ियां पकड़ी गई उसको छुड़वाने के लिए, मुख्यमंत्री के अंदर लेटर उनके पीआरओ ने जारी किया। नहीं, वो तो कह रहे हमने कार्रवाई कर दी, सस्पेंड कर दिया, उनको हटा दिया ना, तो पर जारी तो किया ना, खनन की गाड़ियां छुड़वाने के लिए तो किया। तो वो पैसे का लेन देन का मामला था, पैसे का लेन देन का। आप लोगों के पास कोई सबूत है मुख्यमंत्री पर आप इतने गंभीर आरोप लगा? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है? लिप्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो का दम, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। बात आज होगी दो के दम में उत्तराखंड की ऐसी शख्सियत की जो रुद्रपुर में अपना राज कायम कर चुके हैं, दो बार से विधायक रहे, लगातार चेहरा बने रुद्रपुर का, और देखते ही देखते कांग्रेस के बड़े सितारे बन गए। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बेहड़ जी आपका। धन्यवाद बेहड़ जी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुभाष दो का दम, तमाम सवाल होंगे और हमेशा की तरह आपके जवाब। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के घर से ही। कांग्रेस तैयार है इस बार? बिल्कुल तैयार है। हाथ का पंजा मजबूत है। मजबूत रहेगा। तमाम तरह के आंकड़े और आकलन किए जा रहे हैं। बीजेपी ने नारा दिया आपकी बार 60 पार, कांग्रेस का क्या नारा है? देखिए, बीजेपी का जो नारा है वो 60 के पार नहीं, 0 हट रहा है, 6 के पार रह जाएगा। आपका? हमारा नारा 50 के पार है। 50 के पार, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ज्यादा नहीं है, 50 सीटें आएंगी इस बार। 50 सीटें आएंगी। अगर सरकार के परिपेक्ष में हम देखें तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? देखिए, इस समय पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई को लेकर हाहाकार मचा है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो सब्जी के दाम हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो सरिया हो, चाहे खाने का तेल हो, रसोई बहुत महंगी हो चुकी है, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, बेरोजगारी, रोजगार दिया ही नहीं सरकार ने 5 साल में, नौकरियां खोली नहीं, लोग आज भी तरस रहे हैं नौकरी। अब कह रहे हैं कि 5,000 नौकरी मिलेगी, 4,000 नौकरी मिलेगी, अब 10 दिन रह गए आचार संहिता, तो हालात बद से बदतर हैं। तो महंगाई, किसान जो सबसे बड़ा किसान का मुद्दा है, किसान की फसल की कीमत नहीं किसान को मिलती, उसके जो कर्ज है वो माफ़ नहीं करती सरकार, इन्होंने कर्ज माफी का वायदा किया था, अपने दृष्टि पत्र में लेकर आए थे ये लोग, आज तक एक किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, ये सारे मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। तो आपको लगता है कि हरीश रावत के चेहरे पर जनता आपको वोट देगी? देखिए, हरीश रावत जी का चेहरा हमारे नेतृत्व है, वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हरीश रावत जी को कौन हटा सकता? हरीश रावत जी को कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं और कयास इस वक्त रुद्रपुर में भी हैं और किच्छा में भी हैं। चर्चाएं ये हैं कि बेहड़ जी किच्छा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या ये सच है? मैं इस पर तैयारी किच्छा से कर रहा हूँ और किच्छा से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं पहले भी किच्छा से ही लड़ना चाहता था, 2 चुनाव पहले भी, तब उस समय पार्टी ने मुझसे कहा नहीं आप रुद्रपुर लड़िए। पिछली बार भी मैं किच्छा से लड़ना चाहता था, तब मुझे पार्टी ने, हरीश रावत जी ने कहा कि नहीं मैं किच्छा से लड़ना चाहता हूँ, पर इस बार तो मैंने ताल ठोक दिया, किच्छा से ही चुनाव लड़ूंगा। पक्का है? पक्का बेहड़ जी, पक्का इरादा है, बिल्कुल किच्छा से ही लड़ेंगे। किच्छा से तय है? तय है। लेकिन सर, वहाँ आपके जो साथी हैं उनकी नाराजगी बहुत है, वो कहते हैं स्थानीय लोग होना चाहिए और स्थानीय नेता। अब देखिए, स्थानीय क्या, मैं तो स्थानीय हूँ, मैं किच्छा विधानसभा का ही रहने वाला हूँ, मेरी जमीन, घर, मकान, पैदा वहीं हुआ, 4 बार विधायक रहा मैं किच्छा से, पहले ही जब हल्द्वानी विधानसभा थी तब भी किच्छा था, रुद्रपुर किच्छा विधानसभा थी तब भी किच्छा विधानसभा उसके अंदर था। लोग नाराजगी क्यों जाहिर? टिकट है, टिकट मांगते हैं, हर आदमी विधायक बनना चाहता है, हर आदमी को लगता है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए कुर्सी, उनका अपना अधिकार है, मेरा अपना अधिकार है। उनको मनाएंगे कैसे आप? मानेंगे, जब टिकट तय हो जाएगी तब मानेंगे, सबको मना लेंगे, सब मानेंगे। ऐसा तो नहीं है जैसे हरीश रावत के साथ हुआ, आपके साथ भी वो ऐसे कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सक्षम हूँ चुनाव लड़ने में और जीतने में। हरीश रावत भी सक्षम थे चुनाव लड़ने और जीतने? नहीं, हरीश रावत जी अब ठीक है, चुनाव कई बार होता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, नहीं जीत। तो ऐसा क्या हुआ था? इस बार तो हम जीतेंगे। उस वक्त तो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर थी,
मैं नहीं चुनाव संभाल सका था उनका, नहीं देख सका था, अब तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ। आप इसे की थी कि आप छोड़ दीजिए सीट, मैं लड़ना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो पिछली बार रुद्रपुर से लड़ाना, तो फिर मैं नहीं जा पाया उनके चुनाव में। लेकिन चर्चा ये थी कि बेड़ जी के ऊपर जिम्मेदारी थी हरीश रावत जी के चुनाव को निकालने की भी, क्योंकि वो आपका भी गढ़ था। नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, पर मैं एक दिन के लिए कुल जा पाया था, मैं समय नहीं निकाल पाया, वो भी कमी रही। अगर मैं समय निकाल लेता तो शायद ये परिणाम नहीं होते। ऐसा तो नहीं है कि घर में ही भेदी हो, आपके समय भी ऐसी हो जाए? नहीं, मैं उन भेदियों से भी लड़ा जाएगा, डटा जाएगा। भेदी है मतलब? नहीं लगता, नहीं भेदी है, पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगने का सबको अधिकार है पार्टी से। कहते हुए नजर आ रहे हो कि तिलक राज भेड़ जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए यहाँ के स्थानीय। अब उनका कहने सुनेंगे तो पार्टी हाईकमान को तय करना है, पार्टी हाईकमान जिसको, पार्टी हाईकमान अगर मौका देती है आपको, आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हरीश रावत की तरह आपके साथ भी धोखा पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं मानता नहीं होगा। जनता देती है वोट और जनता तैयार बैठी है। मैं आपके अनुभव और आकलन के हिसाब से देखूं तो बहुत लंबा तजुर्बा आपको राजनीति में रहा, बहुत लंबा आकलन अगर देखा जाए अनुभव के लिहाज से। आपने कई मुख्यमंत्रियों को आते और जाते देखा, लेकिन राजेश शुक्ला खुद मुख्यमंत्री को चुनाव हरा चुके हैं और आप उनकी सीट पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? देखिए, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है उस सीट से चुनाव लड़ना, क्योंकि मेरी पैतृक सीट है, मुझे वहां पे अच्छा लग रहा है और मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। किच्छा का सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? नहीं, किच्छा में बहुत काम होना है, अभी मेडिकल के क्षेत्र में काम होना है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम होना है, औद्योगिक क्षेत्र में काम होना है, बहुत बड़े बड़े काम होने हैं वहाँ। कैसे लगते हैं शुक्ला जी आपको, नेता कैसे लगते हैं शुक्ला? नहीं, नेता वो अपनी जगह होंगे, भाजपा में है, पहले वो तराई विकास पार्टी में भी थे, उन्होंने मार उत्तराखंड का विरोध किया, उत्तराखंड के नाम पर उन्होंने सड़कें जाम की, प्रदर्शन किए कि उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए, आज वो उत्तराखंड को स्वीकार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, जो कल तक तो उत्तराखंड को स्वीकार ही नहीं करते थे। उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुए, रुद्रपुर सबसे हॉट सीट रही, उसकी एक वजह आप और राजकुमार ठुकराल। जब से राजकुमार ठुकराल ने इस सीट पर चुनाव लड़ना किससे सीखा वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जब भी मुकाबला हुआ तो हमेशा हुआ राजकुमार ठुकराल वर्सेस तिलक राज बेहड़। इस बार हम वो चीजें मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि चर्चा तो फिर ये भी होगी ना कि बेहड़ जी जो है वो ठुकराल जी के सामने डर के भाग गए। नहीं, डर के नहीं भाग गए, मैं पहले भी जब विधानसभा अलग हुई थी तब भी मैं किच्छा से ही लड़ना चाहता था, तब पार्टी के हमारे हाईकमान ने उस समय कहा कि नहीं आप इस बार मौका दे दीजिए किसी और को, तो मैंने पार्टी के निर्देशों का पालन किया। पिछली बार पर हरीश रावत जी तैयार हो गए जी, मैं पहले भी किच्छा से ही लड़ना चाहता था, मेरी पैतृक सीट है, मैं वहीं से चुनाव लड़ना चाहता था और मुझे टिकट उस समय नहीं मिल पाई, पर इस बार उम्मीद है कि टिकट मिलेगी। तो मतलब हम वो जो हॉट सीट वाला मुकाबला होता था कि बेहड़ जी वर्सेस राजकुमार ठुकराल, वो नहीं होगा इस बार? नहीं नहीं, हॉट सीट आपने तो उनको रास्ता ही खोल दिया विधानसभा जाने का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता आसान नहीं है, कांग्रेस छोड़ दिया है, कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी रुद्रपुर सीट। नहीं, रुद्रपुर में बेहड़ जी नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? बहुत लोग हैं लड़ने वाले, बहुत लोग हैं, आपने तो मैदान छोड़ दिया। नहीं नहीं, बहुत लोग हैं, अभी मेरे से भी मजबूत लोग हैं यार, मजबूत लोग हैं आपसे, आप खुद मान रहे हैं कि आपसे मजबूत लोग हैं? हाँ, मेरे से मजबूत लोग हैं, रुद्रपुर से भी लड़ने वाले। अच्छा, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर तमाम सवाल है, ये तो आपकी तैयारी की बात हुई, लेकिन जिस तरह का झगड़ा बवाल दिल्ली तक जा पहुंचा, इससे पार्टी को नुकसान होता है कि नहीं होता? देखिए, कांग्रेस में खुला लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में खुला लोकतंत्र नहीं है, वहाँ घुट घुट कर जीते हैं, कांग्रेस में अपनी बात कहते हैं, मन की बात निकाल लेते हैं, उसके बाद काम शुरू कर देते हैं पार्टी का करना। पर बीजेपी में अंदर खाने लड़ाई रहती है और वो बहुत लंबे समय तक चलती है, तो कांग्रेस में ऐसा कोई गुट नहीं है, आधा पाई तक की नौबत आ जाती है अपनी पार्टी। नहीं, तो कोई व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, वो वीडियो देखा था आपने? मैंने देखा है, मारपीट वाला, वो ठीक नहीं है मारपीट करना आपस में, और किसी को भी सोशल मीडिया के फायदे हैं तो नुकसान भी है, ट्वीट करते समय सोचना समझना चाहिए बहुत ज्यादा, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, तो व्यक्तिगत वो तो कारण बन गया उनका, उसकी पार्टी जांच करेगी निश्चित रूप से, जो भी इसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई। आप मानते हैं गुटबाजी है कांग्रेस में? नहीं नहीं, गुटबाजी नहीं है, मैंने कहा ना खुला लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अच्छा, गुटबाजी भी नजर आई कांग्रेस भवन में, खुलेआम दोनों ही कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं नहीं नहीं, तो कोई बात रही होगी, मैंने कहा ना कि आपस में कोई बात रही होगी उस बात को लेकर। अच्छा, एक माना जाता है कि हरीश रावत गुट, एक माना जाता है प्रीतम सिंह गुट, पहले विजय बोगड़ा गुट भी था,
अब दो गुट बचे हैं, आप किस गुट में हैं? देखिए हम तो पार्टी के साथ हैं और पार्टी से बड़ा कोई गुट नहीं है, बाकी तो अब नेताओं के तो रहते ही हैं फॉलोवर, हर नेता, कोई ऐसा नेता नहीं है क्या और पार्टियों में नेता नहीं है उनके फॉलोवर नहीं है, सब जगह है फॉलोवर उनके। आप किसको फॉलो करते हैं? मैं तो पार्टी को फॉलोवर करता हूँ, पार्टी। आपका भी तो कोई चेहरा होगा? नहीं मेरा कोई चेहरा नहीं, मेरा पार्टी चेहरा। हरीश रावत कैसे नेता है? अच्छे नेता है। प्रीतम सिंह कैसे नेता है? अच्छे नेता है, दोनों अच्छे नेता है। सारे अच्छे नेता है हमारे यहाँ, एक से एक अच्छे नेता है। अच्छा जब विजय बोगना जी भी थे तब ये माना जाता था कि बेहड़ जी जो हैं वो विजय बोगना जी के गुट में सक्रिय रहे, और बेहड़ जी ही थे जो बोगना जी को समझा देते थे, कोई बात समझानी होती थी। नहीं बोगना जी से अच्छे संबंध रहे मेरे, अब वो सीनियर लीडर थे हैं और आज भी वो अपना बीजेपी में काम कर रहे हैं। आपके पास फोन नहीं आता उनका कि बेहड़ जी आई है बीजेपी में? मेरी कभी बात नहीं होती है, वो बोलते नहीं है बीजेपी में आ जाओ मेरे साथ। जब तक कांग्रेस में तभी बात होती थी, उसके बाद बात। बोगना जी ने बात करना ही बंद कर दिया, शिष्टाचार मुलाकात ही नहीं हो ही नहीं पाती, कभी कभार कहीं मिल जाए तो अलग बात है। सितारगंज में तो पूरी फील्डिंग आपने लगाई थी उनके लिए। वो जमा था, समय था, उस समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस के लिए काम किया था, कांग्रेस की फील्डिंग लगाई थी, उसका लाभ उनको मिला। अच्छा नारायण पाल जी से हमारी बात हुई थी सितारगंज में, नारायण पाल जी ने कहा कि मुझे अगर किसी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया तो विजय बोगना जी ने दिया, आप मानते हैं? अब ये तो कोई उनका व्यक्तिगत मामला रहा होगा, बोगना जी के साथ उनका क्या रहा क्या नहीं रहा ये तो वही बता सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए रास्ते सभी जगह खुले हैं, क्योंकि बातचीत में सभी राजनीतिक दलों से अभी भी करता हूं, आपके लिए भी हैं? नहीं नहीं मैं तो कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के साथ खड़ा हूं और अपने नेताओं के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बोगना जी का फोन आ जाए आपके पास? नहीं नहीं वही पुराने संबंध, वही पुरानी बातें, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कांग्रेस से तैयारी कर रहा हूँ, कांग्रेस से ही लड़ूंगा, अगर किच्छा से चुनाव जीतूंगा। अगर किच्छा से टिकट ना मिला तो? नहीं नहीं टिकट मिलेगा, टिकट क्यों नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा मैं आश्वस्त हूँ। यदि नाराजगी ज्यादा रही वहां के लोगों की और ना मिला तब? नहीं नहीं टिकट ना मिलने का कोई कारण ही नहीं है, मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं चार बार वहां से एमएलए रह चुका हूँ, मिलने का ना मिलने का कोई कारण नहीं है, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, पार्टी ने बनाया मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया प्रदेश का। आपसे फिर से कहा गया एक बार कि आप सीट छोड़ दीजिए रुद्रपुर से? नहीं मैंने आवेदन ही इच्छा से किया, कहीं और से किया ही नहीं है, किच्छा से ही किया। अच्छा एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं नाराज। राजकुमार ठुकराल कैसे नेता है? राजकुमार ठुकराल अब उनके बारे में सब लोग जानते हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो जनता जानती है कि वो किस टाइप के नेता है। नहीं आपके तो ध्रुव विरोधी रहे ना, तभी मैंने कहा ना उनको जनता जानती है, उनके व्यवहार को जानती है कि वो किस टाइप के नेता है, किस तरह के जनता के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरह फरियादियों के साथ व्यवहार करते हैं, ये पूरे तराई और सारा इलाका जानता है। तमाम तरह के जो अनुभव का मैंने जिक्र किया, बहुत लंबे अरसे तक आपने तिवारी सरकार में भी काम किया, देखा, विभाग संभाले, मैं अनुभव के लिहाज से आपसे जानना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में सबसे बेहतरीन सीएम आपको कौन से दिखाई दिए? बेहतरीन काम करने तिवारी जी से बेहतरीन सीएम कौन हो सकता है? तिवारी जी से बेहतरीन सीएम कोई नहीं रहा? कोई नहीं। और विजय बोगड़ा? नहीं नहीं अब सीएम तो रहे, काम सबने अच्छा किया, बोगड़ा जी ने अच्छा काम किया, बोगड़ा जी ने भी अच्छा काम किया, हरीश रावत जी ने भी अच्छा काम किया और सीएम ने भी किया, पर जो आपने बेहतरीन शब्द बोला है ना वो तिवारी जी का कोई मुकाबला नहीं, तिवारी जी का कोई मुकाबला नहीं। और जहां तक मुझे याद है उस वक्त आप परिवहन विभाग हुआ करता था आपके पास? नहीं तिवारी जी के साथ मेरे पास उस समय शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा था, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल हेल्थ पूरा। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं और तमाम पहलुओं को लेकर तमाम बातें जो सामने आ रही है कांग्रेस के घर के भीतर ही, क्या वाकई में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि 50-50 के फॉर्मूले पर बात तय हुई है कि ढाई साल आपके और ढाई साल आपके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फुल फ्लेश सरकार बनेगी और फुल फ्लेश मुख्यमंत्री होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ना फिर वो वाली कहानी आ जाए कि जैसे बीजेपी में? ना ऐसा कुछ नहीं, तीन तीन चेहरे एक के बाद एक, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हरीश रावत के दबाव की राजनीति नहीं करते सोशल मीडिया के जरिए, आपको लगता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हरीश रावत जी का काम करने का अपना तरीका है, कद है और वो कल भी नेता थे, आज भी नेता हैं, कल भी नेता रहेंगे। वो फिर मगरमच्छ कौन है जो जिनके पीछे वो उनके तो पीछे भाजपा के लिए कहा है, भाजपा में बड़े बड़े लोग मगरमच्छ पड़े हैं जो उनके पीछे पड़े हैं, हाथ पैर बांध दिए उनके, वो तो बांधना चाहते हैं ना सीबीआई से, दुनिया भर की उनके पास एजेंसियां हैं, भारत सरकार के पास, तो रावत जी के हाथ पैर वो क्यों बांधेंगे? वो तो बांधना चाहते हैं, पहले भी बांधना चाहते थे, पहले झूठे मुकदमे कायम करके बांधना चाहते थे, वो तो बीजेपी चाहती है, संगठन सपोर्ट नहीं करता। नहीं नहीं संगठन सपोर्ट कर रहा है, वो अंदरूनी मामला है, कोई हो सकता कोई बात रही हो, उसकी हमें जानकारी नहीं है,
ऐसा कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं सामने आई, ना ही उन्होंने कोई सार्वजनिक की है कि संगठन से उनको कोई दिक्कत है। ट्वीट में उन्होंने यही लिखा था? नहीं, मैंने ट्वीट नहीं देखा ना, मैंने ऐसी कोई चीज देखी है। अच्छा, ट्वीट नहीं देखा आपने। चीजों को आगे समझने की हम कोशिश करते हैं आपसे, जो कांग्रेस के घर के भीतर की तो बात रही, लेकिन बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है एक आक्रामक अंदाज में, कांग्रेस उस तरह से आपको तैयार दिखाई देती है ईमानदारी से? नहीं, कांग्रेस तैयार है। ये चुनाव जो है इस बार, जो मेहनत हो रही है कांग्रेस में, जो काम हो रहा है, जो प्रभारी देवेंद्र यादव लगे हैं, हरीश रावत जी लगे हैं, प्रीतम सिंह लगे हैं, हमारे जितने भी नेता हैं सीनियर, सारे लोग काम कर रहे हैं उससे। आप कह रहे हैं कि एकजुट है, हम साथ साथ हैं, दिल्ली में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया, लेकिन आपके चार कार्यकारी अध्यक्ष, देखिए दिल्ली आपने चार कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। नहीं तो क्या, ये तो पार्टी का सिस्टम है ना, उसमें हैंड्स बढ़ाए हैं काम करने के लिए, क्या बुरा काम किया है? इससे फायदा होगा? जरूर फायदा होगा। चार कार्यकारी बनाया तो मेरे समाज के लोगों से फायदा पहुंचेगा ना पार्टी को, मेरे साथ जुड़े हुए लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। आपके पास भी जिम्मेदारी है? मेरे पास भी जिम्मेदारी। चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, आपको नहीं लगता कि गुटबाजी ज्यादा बढ़ेगी? नहीं नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, मुझे बनाया गया, कोई गुटबाजी नहीं, हम काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। पार्टी को लाभ मिल रहा है उसका, को लेकर नाराजगी दूसरे गुट की ज्यादा थी तो सभी लोगों को एडजस्ट करने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो पार्टी का फार्मूला है, पार्टी ने पहले भी और प्रदेशों में भी लागू किया, यहाँ भी किया। ये तमाम तरह के दावे और वादे हैं, लेकिन बीजेपी के घर के भीतर चुनाव लड़ने का जो जिक्र आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, क्योंकि चेहरा भी उधम सिंह नगर से ही है और युवा भी है, वो चुनौती को कैसे पार करेंगे आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं है अभी, धामी चुनौती नहीं है, नहीं कोई चुनौती नहीं अभी। आपके सामने ही पिछले दिनों में स्टोन क्रेशरों के जो लाइसेंस रिन्यूअल किए गए, एक एक स्टोन क्रेशर से 25-25 लाख रुपए लिया गया, एक तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। किसने लिए 25 लाख रुपए? मुख्यमंत्री ने पैसा इकट्ठा किया, सरकार ने पैसा इकट्ठा किया, स्टोन क्रेशनों को रिन्यूअल के नाम पर, खनन के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर काम चल रहा है, तो इस समय हालात खराब है, इस मुख्यमंत्री की भी छवि बहुत खराब हो चुकी है। 25 लाख रुपए एक एक स्टोन क्रेशर से लीगली लिए गए मुख्यमंत्री द्वारा, चर्चा है पूरे प्रदेश के अंदर। आप लोगों तो के नहीं, भ्रष्टाचार के मामले कई आ गए हैं सामने, विपक्ष उठा रहा है ना, बोल रहे हैं खनन के मामले अभी विधानसभा में उठे हैं, नहीं आपके पास गाड़ियां पकड़ी गई उसको छुड़वाने के लिए, मुख्यमंत्री के यहां से लेटर उनके पीआरओ ने जारी किया, नहीं वो तो कह रहे हमने कार्रवाई कर दी, सस्पेंड कर दिया उनको, हटा दिया ना, तो पर जारी तो किया ना, खनन की गाड़ियां छुड़वाने के लिए तो किया, तो वो पैसे का लेनदेन का मामला था, पैसे का लेनदेन का। आप लोगों के पास कोई सबूत है मुख्यमंत्री पर आप इतने गंभीर आरोप लगा? बिल्कुल, पूरे स्टोन क्रेशर वाले बोल रहे हैं कि हमसे पैसा लिया गया, काम रोक दिया गया रिन्यूअल के नाम पर, जहां 1 साल का 2 साल का रिन्यूअल होता था, 3 साल का 10 साल का रिन्यूअल किया गया, 10 साल के लिए लाइसेंस रिन्यूअल कर दिए गए, तो उसके पीछे पैसा हुआ ना, भ्रष्टाचार भी हुआ तभी तो किया गया, ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला है पूरा। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? लिप्त हैं। आज आप नए जिलों की वकालत भी कर रहे हैं, आज आप गैरसैंण को राजधानी बनाने की वकालत भी कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तब आपने कुछ किया नहीं, आज आप कह रहे हैं कि लोकायुक्त भी ले आएंगे, नए जिले भी बना देंगे। आप लोग कहते थे हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक भी देंगे, आप दिला नहीं दिया ना, हमने जियो किया, हमने शासनादेश लागू किया, इस सरकार ने आते ही रोक दिया, जब ये लेकर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, हम तो लेके आए थे ना मलिन बस्तियों का मालिकाना हक का शासनादेश लाए थे हम। आप मलिन बस्तियों की बात कर रहे हैं, राजकुमार टुकराल कह रहे हैं नजूल भूमि पर मालिकाना हक मैंने दिलवाया, देखो। अरे वो तो अब उनकी सरकार ने किया है ना, हमारा हरीश रावत जी ने किया था, मैं तो खुद मेंबर था उसका। वो तो खुद चुनौती देते रहे कि बेहड़ जी जो है इतने लंबे समय तक सरकार का हिस्सा भी रहे, विधायक भी रहे, हमारे गवर्नमेंट में हुआ, उसको इन्होंने रोका, इन्होंने आते ही उसको स्टे किया, कहा कि हम अपना लेके आएंगे शासनादेश, हम अपनी नजूल नीति लाएंगे, वो आज लाते हैं, अब जाके हो रही है, वो तो सीना चौड़ा करके दिखा रहे हैं सबको, देखो मैं करके लाया हूं। तो कहने क्या होता, बेहड़ जी ने नहीं करवाया कुछ भी, हम ही नहीं कराया उस समय, शासनादेश हमारे पास है। तो ये कौन सा शासनादेश है, ये अब नया शासनादेश लेके आए, तो क्या ये चुनावी फायदा उठा रहे हैं? और क्या, बेवकूफ बना रहे हैं, लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। निगम के चुनाव थे, तब मेयर के चुनाव घोषणा की त्रिवेंद्र रावत ने कि 15 दिन में हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ, अब इन्होंने कहा शासनादेश लाएंगे, पट्टे तो दें,
गरीबों को मालिकाना हक तो दें, खाली कहने से हो रहा है। चलिए थैंक यू, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने वक्त दिया और बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के धुरंधर तिलक राज बेहड़, जिन्होंने बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखा, लेकिन इतना तय है कि रुद्रपुर की जंग देखने वालों को इस बार वो मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बेहड़ जी इच्छा से तैयारी कर रहे हैं। अगली बार होगी एक नई विधानसभा और नए चेहरे के साथ मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।